Hi everyone, welcome to Simple Concepts. I'm your educator Niyati Paul. Guys, इस particular lecture में हम एक बहुत ही important topic पे discuss करेंगे, how to cope up with stress while you're preparing for civil services examination. तो before we start up with our actual lecture, let me tell you all, आप इन सारे हमारे सारे जो हम topics discuss कर रहे हैं, जो भी हम syllabus cover कर रहे हैं इस channel पे, उसके आपको नोट्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिल सकते हैं इफ यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. इफ यू आर अनेबल टू फाइंड द ग्रुप ऑन द सेड लिंक, देन जस्ट गो टू योर टेलीग्राम अकाउंट. वहां पे सर्च बार में अगर आप सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी के नाम पे अगर आप सर्च करेंगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आवर ग्रुप. सो हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज डिस्कशन. सो ये पर्टिकुलर जो मैंने टॉपिक चुना है, बहुत ही सोच समझ के चुना है, बिकॉज एज वी ऑल नो, बहुत टायरिंग और बहुत टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम होती है सिविल सर्विसेज. एंड एज आई ऑलवेज से, यूपीएससी एग्जाम हमारे पूरे पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है, पूरे पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, ना कि जस्ट हमें एक एग्जाम के लिए क्लियर करवाती है या फिर हमें एक जॉब दिलवाती है, ऐसा नहीं होता. सो व्हाइल वी आर इन दिस प्रिपरेशन, हम लोग बहुत सी चीजें सीखते हैं. ऑफकोर्स हम लोग सिलेबस भी लर्न करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी लर्न हाउ टू बी कंसिस्टेंट. वी लर्न कि हम किस प्रकार से जो भी हमारे लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन आते हैं उनको डील करते हुए हम अपना प्रिपरेशन कैसे कंटिन्यू रखें. इट जस्ट मीन्स कि हम अपने लक्ष्य की ओर किस प्रकार बढ़ते हैं. सो जैसे कि हम बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करते हैं, उसी प्रकार से यूपीएससी भी है. जस्ट दैट बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी, सिलेबस बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होता है, बहुत डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ी एक्स्ट्रा होती है और कॉम्पिटिशन भी होता है. सो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपको बहुत स्ट्रेस के अंडर आपको गो थ्रू करना पड़ता है. एट द सेम टाइम हमारी पर्सनल इमोशनल लाइफ में भी हमें बैलेंस बिठाना पड़ता है. सो हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस एंटायर सिचुएशन, इसके बारे में हम आज के इस लेसन में, इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई वुड टेल यू इज, डोंट थिंक अबाउट द सोसाइटी. होता यह है कि जैसे हम प्रिपरेशन करना, हमारा प्रिपरेशन हम शुरू करना शुरू करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, सेकंड अटेम्प्ट होता है, कभी कभी हम प्रिलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते, कभी प्रिलिम्स क्लियर होता है और मेंस क्लियर नहीं होता. सो एट दिस पॉइंट हमने क्या करना चाहिए, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, वो लोग थिंक करते हैं सोसाइटी के बारे में कि भाई मैं इतने देर से मैं दिल्ली में हूं, या फिर मैं अपने घर से ही जॉब छोड़ के मैं प्रिपेयर कर रही हूं, या फिर जस्ट ग्रेजुएशन के बाद कुछ और ना सोचते हुए, मतलब ऑल्टरनेट ऑप्शन ना सोचते हुए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूं. सो व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ, अभी मेरे अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, सोसाइटी मेरे बारे में क्या थिंक करेगी. तो लेट मी टेल यू ऑल वन थिंग गाइज, नो वन रियली हैज टाइम टू थिंक अबाउट यू. हर इंसान को अपने अपने स्ट्रेस होते हैं, अपने अपने रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, अपने अपने एंजाइटी इश्यूज होते हैं. किसी को भी, आपको ऐसा लगता होगा कि लोग आपके बारे में सोचते होंगे, बट ऐसा नहीं होता. दे ऑल हैव देयर ओन हेडेक्स, दे ऑल हैव देयर यू नो डेब्ट, देयर ओवरड्यू बिल्स, लॉस, एवरीथिंग उनको होता है, बट शायद ही उनके पास वक्त होगा आपके बारे में थिंक करना. हाँ, गॉसिप्स तो होंगे ही, ऑब्वियसली वी कैन नॉट अवॉइड दैट, क्योंकि आपने भी तो किसी टाइम पे किसी के बारे में गॉसिप्स किए होंगे, राइट? बट यू योर सेल्फ नो कि आप दूसरों लोगों के बारे में कितना ज्यादा सोचते हो या फिर नहीं सोचते. सो डू वन थिंग, वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ, नॉट टू प्रूव द होल गॉड डैम वर्ल्ड. लोगों को प्रूव करने के लिए आपको किसी भी चीज करने की जरूरत नहीं है. एंड एज आई ऑलवेज से, जब भी आप एग्जाम के थ्रू, प्रिपरेशन के थ्रू पढ़ाई करते वक्त जब आप उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे, या फिर आप ये सोचोगे कि मैं क्लियर होऊंगी या फिर नहीं, या फिर क्लियर होने के बाद मैं ऐसा करूंगी, या फिर मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, जब आप ये सारी चीजें सोचते हो, तब उस एक्चुअल जर्नी पे आप कभी भी फोकस नहीं कर पाते. यू डोंट एंजॉय योर लर्निंग्स. सो दैट इज वाई स्टॉप थिंकिंग अबाउट द एंड रिजल्ट. हाँ, एंड ऐसा नहीं होगा कि हम तो भाई भगवान नहीं है कि हम एंड रिजल्ट के बारे में बिल्कुल सोचेंगे ही नहीं, बट एट द सेम टाइम 5 मिनट सोचना इज मोर देन एनफ, ना कि आप पूरा पूरा दिन उसके बारे में डे ड्रीम करते हो. डोंट थिंक अबाउट द सोसाइटी एंड डोंट थिंक अबाउट द एंड रिजल्ट. वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ. जब भी आप पढ़ो तो ये सोच के पढ़ो कि ये एंटायर प्रिपरेशन जो है वो मुझे एक अच्छा इंसान बनाएगा, या फिर मैं कुछ ना कुछ लर्न करूंगी, आई वॉन्ट फेल. ये जब आपके मन में, दिमाग में जब आपके फिक्स बैठता है कि मैं कभी फेल नहीं हो सकती, मैं या तो जीत जाऊंगी या फिर जीत जाऊंगा या फिर मैं कुछ ना कुछ लर्न करूंगी, ये जब आप चीजें सोचते हो तो वो एंड रिजल्ट का, रिजल्ट जो होता है उसका डर आपको कभी भी नहीं सताता. एट द सेम टाइम यू कैन गिव योर बेस्ट.
नाउ सेकेंड मैं एक आपको एडवाइस दूंगी कि डोंट एवर स्कीप एक्सरसाइज. आप कुछ भी स्किप कर सकते हो बट एग्जाम एक्सरसाइज आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते, मतलब आपने करनी नहीं चाहिए. रिमेंबर वन थिंग, हेल्थ इज वेल्थ. आप इस चीज को आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते. नाउ जस्ट इमेजिन यू हैव बिकम एन IAS एट द एज ऑफ 25 एंड यू आर डेड एट द एज ऑफ 30. इज इट वर्थ? क्योंकि आपको बहुत आठ आठ दस दस घंटे आप एक जगह पे बैठते रहते हो. सो इट मेक्स आपको, ऑफकोर्स साइकोलॉजिकल आप पे उसका इफेक्ट होता ही है, बट फिजिकली भी आपका इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. क्यों? क्योंकि एक जगह पे बैठे रहने से आपके पूरे बॉडी में उस तरह से एक्टिवली ब्लड फ्लो नहीं रह पाता. और जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, 30 मिनट्स भी अगर आप वर्कआउट करते हो, तो आपका ब्रेन रेस्ट ऑफ द दिन में पूरा एक्टिव रहता है. सो दैट इज वाई मेक श्योर कि आप आधा घंटा भी क्यों ना हो, आप वॉक पे चले जाओ या फिर घर पे भी कोई, अभी तो खैर लॉकडाउन सिचुएशन है, सो यू कैन घर पे आप लाइट एक्सरसाइज या फिर योगा वगैरह की आप प्रैक्टिस कर सकते हो. रिमेंबर वन थिंग, आपकी जब माइंड हेल्दी रहेगी, आपकी जब फिजिकल बॉडी जब आप हेल्दी रहेगी, तब भी आप पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे. अब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप जिम में जाके यू नो 10-10 केजी उठाओ. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, बट जस्ट मेक श्योर कि एक्सरसाइज एक बहुत ही अनस्किप, मतलब स्किप करने वाला पार्ट वो बिल्कुल भी नहीं है. 30 मिनट्स क्यों ना हो आप वर्कआउट करो, एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट कि आप पढ़ाई पे उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपकी ओवरऑल लाइफ पे, ये आपको वहां पे आपको दिखेगा. एट द सेम टाइम आई वुड एडवाइस यू कि आपका मील, आपका जो डाइट है वो मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा उसमें जंक फूड ना हो. क्योंकि ऐसा है ना कि जो भी आप चीजें खाते हो, जिस प्रकार के आप चीजें खाते हो, उस प्रकार से आपका माइंड, आपका ब्रेन डेवलप होना शुरू करता है. Why I'm saying this is that, क्योंकि जब आप जंक फूड खाते हो, आप बहुत ज्यादा कम खाते हो राइट जंक फूड, बट उसकी जो कैलोरी इनटेक है आपका, फैट उसमें आपको कितना ज्यादा अंदर आपके अंदर जाएगा, या फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट फैट आई मीन कार्बोहाइड्रेट्स, आपके कितना अंदर आपके जाएगा, ये सब आपके पढ़ाई के ऊपर भी उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है. जस्ट मेक श्योर कि आप खाना खाते हो वो हेल्दी हो, ना कि मतलब बहुत ज्यादा उसमें तेल या फिर बहुत ज्यादा मीठा उसमें ना हो. So why I am saying this is that क्योंकि आपका खाना डिफाइन करता है आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल या फिर आपका ओवरऑल जो मोटिवेशन होगा इस एंटायर प्रिपरेशन में वो कितना ज्यादा सही रहेगा. ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड आई वुड से ये एक होगा, एक दिस इज अ वे कि फाइंड योर पैशन. ये एक प्रकार का मैं कह सकती हूँ एक वे आउट होगा आपके लिए. जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहोगे, आपकी पैशन आपको सेल थ्रू करेगी. जैसे कि कुछ लोगों को सिंगिंग पसंद होगा, कुछ लोगों को गिटार पसंद होगा, कुछ लोगों को पेंटिंग पसंद होगा, पेंटिंग करना. सो डू समथिंग विच यू रियली एंजॉय. वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको रिलैक्स करती हो. अब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे हाँ कि मैं कुछ लोगों को पढ़ने में, मतलब कोई बुक्स पढ़ने में, नॉवेल्स वगैरह पढ़ने में दे फील वेरी मच रिलैक्स, बट आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस यू कि किसी भी टॉपर को आप कॉपी मत करो. कोई टॉपर होगा उनको योगा करना अच्छा लगता होगा, तो ये जरूरी नहीं कि वो चीज आपको भी अच्छी लगती हो. रिमेंबर कि आप यूनिक हो, जैसे कि हर इंसान इस दुनिया में यूनिक है, उसी प्रकार से आप भी यूनिक हो. सो डोंट कॉपी एनी अदर टॉपर, रादर डू वन थिंग. ऐसी चीज करो जो आपको आपको वो जॉय दे, आपको खुशी दे. जब आप इस प्रकार की चीजें जब आप करोगे, या फिर आप कुछ लोगों को हो सकता है, जैसे कि मुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, सो दैट बेसिकली मेरी माइंड को वो रिलैक्स करता है. मेरी माइंड में जितनी भी चीजें अच्छी भली जो भी हो चीजें, फॉर अ टाइम बींग वो मेरे दिमाग से सब कुछ निकालता है. सो और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मी टाइम पसंद होगा, जैसे कि आप यू कैन टेक अ कप ऑफ टी एंड यू कैन एंजॉय योर बुक, या फिर यू कैन एंजॉय योर इवनिंग विद दैट ब्रीज ऑन योर फेस. सो कुछ लोगों को ये चीजें मी टाइम होना करना पसंद होगा, तो डू दैट. डू समथिंग, फाइंड योर पैशन, डू समथिंग विच रियली रिलैक्सेस यू फ्रॉम दिस एंटायर सिचुएशन. वो आपको कहीं ना कहीं दूर, मतलब अपनी ही दुनिया में दूर वो चीज आपको लेके अगर जा रही हो, तो देन गो फॉर इट, डू दैट थिंग. ओके, लेट अस गो ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. हैव अ बैकअप प्लान. ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल उनका ग्रेजुएशन होता है, जैसे कि बीए बीकॉम, उनका प्रोफेशनल, उनके पास डिग्रीज नहीं होती, तो दिस एड्स अप इन अ काइंड ऑफ स्ट्रेस. वो उनके ऊपर स्ट्रेस बिल्डअप करता है. अब कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि LLB या फिर MBBS इंजीनियर्स, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि इफ नॉट UPSC तो मेरे पास ये तो ऑप्शन रहेगा, मैं कोई जॉब सर्च करूंगा या फिर जॉब सर्च करूंगी, तो कुछ ना कुछ मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे उतनी ज्यादा मेरे पास रहेगी. बट जो लोग नॉर्मल जिनका ग्रेजुएशन होता है,
उनके पास ये बैकअप प्लान नहीं रहता. सो फॉर देम व्हाट आई कैन एडवाइस इज दैट इफ नॉट यूपीएससी आप कोई और एग्जाम के पास भी और एग्जाम जो कि जैसे कि आप आरआरबी बैंक पीओ वगैरह हो गया एसएससी सीजीएल तो इस प्रकार के एग्जामिनेशंस भी आप देना शुरू करो. बट योर मेन फोकस ऑफ कोर्स इट शुड बी यूपीएससी क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि ये आपका प्लान बी है और ना कि आपका मेन प्लान है. सो एट द सेम टाइम डू वन थिंग आपका जो 90% ऑफ द टाइम प्रिपरेशन टाइम है वो आपके सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए होना चाहिए एंड ना कि फॉर योर बैकअप प्लान. बट ऑफकोर्स बैकअप प्लान ऑफकोर्स होना चाहिए और मैं ये इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको स्ट्रेस बिल्डअप ना हो आपके ऊपर. ओके सो हैविंग सेड दैट लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. सो रिमेंबर वन थिंग मोटिवेशन इज टेम्पररी बट इंस्पिरेशन इज परमानेंट. बहुत लोग ऐसे करते हैं कि वो अभी मुझे पढ़ाई करना है मुझे मोटिवेशन चाहिए देन दे विल जस्ट गो टू सम यूट्यूब वीडियो वो एक वीडियो वॉच करेंगे उनको लगता है कि वो चीज उनको मोटिवेशन देगी. बट ट्रस्ट मी गाइज ऐसा कभी भी नहीं होता. आप वो एक मोटिवेशन वीडियो देखोगे आपको तभी जैसे जैसे वो वीडियो एंड होता जाएगा यू विल फाइंड द अर्ज टू गेट मोर मोटिवेशन. आप कोई दूसरा वीडियो देखोगे बट कब वो लिंक फिर एक वीडियो से दूसरा वीडियो कब फिर वो जो वीडियोस की लिंक होती है वो क्यूट कैट वीडियोस पे कब आके पहुंचती होगी वो आपको खुद को नहीं पता चलेगा. सो फॉर दैट डू वन थिंग जस्ट रिमेंबर वन लाइन दैट मोटिवेशन इज टेम्पररी बट इंस्पिरेशन इज परमानेंट. अब हाँ ये ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा तो नहीं होगा. हो सकता है कि किसी दिन आप टेस्ट देकर आओ आपको अगले दिन भी टेस्ट के लिए पढ़ना हो तो वहां एक आध दो मोटिवेशन वीडियोस आपको मदद कर सकते हैं. बट हर दिन कोई ना कोई मोटिवेशन वीडियो हर दिन कोई ना कोई सॉन्ग की अगर आपको जरूरत पड़ रही है देन यू हैव टू नो योर सेल्फ कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है मेरा जो प्राइमरी फोकस है वो यूपीएससी के थ्रू नहीं जा रहा है. आपको मोटिवेशन बस बुक्स देख के आना चाहिए क्योंकि हाँ मुझे इतना ज्यादा पढ़ना है इतनी ज्यादा मुझे नॉलेज अक्वायर करनी है वो एक चीज आपको मोटिवेशन देने के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है. तो जैसे कि आपको बेथिंग की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू क्लीन योर बॉडी सो मोटिवेशनल वीडियोज ऑफकोर्स दे क्लीन योर माइंड एंड ब्रेन बट एट द सेम टाइम इंस्पिरेशन आपको खुद से लगना आपके खुद से मन में होना कि हाँ मुझे इतने घंटे मुझे पढ़ाई करनी है दिस इज मैंडेटरी फॉर मी. ये चीजें जब आपके दिमाग में बैठी होंगी तब आपको किसी भी मोटिवेशनल वीडियो या फिर किसी भी मोटिवेशनल सॉन्ग की आपको जरूरत तब नहीं पड़ेगी. ओके लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट वन. रिमेंबर वन थिंग यूपीएससी इज नॉट इक्वल टू लाइफ. ये पॉइंट मैंने बहुत बार फोकस किया है मेरे बहुत सारे वीडियोज में और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जब वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते सपोज वो प्रिलिम्स उनका क्लियर नहीं कर पाते उनका लास्ट अटेम्प्ट होता है और वो प्रिलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाते वो यूपीएससी मेन्स के पास तो पहुंचना बहुत दूर की बात होता है तो उनको लगता है कि लाइफ इज ओवर हम लोग और कुछ नहीं कर सकते अगर मैं यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता हूं तो मैं और कुछ नहीं क्लियर कर पाऊंगा. तो जस्ट डू वन थिंग जब भी आपके मन में ऐसे ख्याल आए तो आस्क योर सेल्फ कि ऐसा क्यों हुआ. आपके प्रिपरेशन में हो सकता है कि आपके प्रिपरेशन में कोई ना कोई कमी रही हो या फिर इफ नॉट आपके प्रिपरेशन में अगर कमी ना रही हो सकता है कि आपने आपका 100% दिया हो फिर भी योर लक डिडन्ट फेवर यू. तो जस्ट हैव वन थिंग इन माइंड कि हेवन के दिमाग में आपके लिए कुछ अलग प्लान्स होंगे. हेवन मस्ट हैव गॉट प्लान्स फॉर यू राइट सो यू कैन हैव लॉट ऑफ यू नो दैट थिंकिंग इन योर माइंड कि इफ नॉट यूपीएससी तो ऑफकोर्स मेरे लिए कुछ अलग प्लान्स रहेंगे मैं कुछ अलग कर दिखाऊंगा. हो सकता है आई एम जजिंग माई यू नो यू आर अ फिश एंड यू आर जजिंग योर कैपेबिलिटी बाई अबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री. ऐसा तो नहीं होगा ना. यूपीएससी अगर आपके लिए नहीं बना है तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई और पैशन हो. फाइंड दैट वो पैशन फाइंड आउट करो वहां पे आप कुछ ना कुछ अच्छा करोगे. अब मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कुछ भी अच्छा नहीं करता हो राइट. हमारे अंदर कुछ ना कुछ भगवान ने हमें कुछ ना कुछ खूबी दे के हमें यहाँ पे इस पृथ्वी पे भेजा होगा ऑब्वियसली दैट इज वॉट आई स्ट्रांगली बिलीव. सो फाइंड दैट थिंग फाइंड दैट मोटिवेशन इन योर लाइफ एंड डिप्रेशन होना इज आई वुड से इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. तो ऐसा नहीं है कि आपको फॉर अ टाइम बिंग आपको डिप्रेस लग सकता है. सो इट इज ओके टू हैव दैट फीलिंग. वन थिंग विच यू हैव टू फिक्स इन योर माइंड इज दैट डिप्रेस लगना सैड लगना या फिर रोना धोना इज क्वाइट ओके. इट इज ओके एक्सेप्ट यूर सेल्फ कि आपने इस एंटायर फेज में आप हो ये चीज एक्सेप्ट करना एक चीज है बट उसी के ऊपर रोना धोना इज अ वेरी आई वुड से अ रॉन्ग थिंग. इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ देन जस्ट डू समथिंग अबाउट इट. ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप बस उसके ऊपर रोते ही रहोगे. डोंट डू दैट थिंग एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन.
सो गाइज दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डू हिट द लाइक बटन. अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हो देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन और वहां पे जो नोटिफिकेशन बेल होगी वो भी प्रेस कीजिएगा सो दैट यू विल बी गेटिंग नोटिफाइड एवरी टाइम वी आर ऑन यूट्यूब. आपको हमारे आगे आने वाले जो हमारे वीडियो सीरीज हैं, जैसे कि हम बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उनको आपके नोट्स चाहिए हो, आपको क्विजेस आंसर करनी हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास गाइस. थैंक यू सो मच. टेक केयर.